से हमारी महापर्व दशलक्षण का प्रारंभ हुआ। पर्व के दिन कुछ विशिष्ट दिन होते हैं। दशलक्षण हमारा आध्यात्मिक त्योहार है। जैसे त्योहारों के दिनों में हम कुछ नए नए व्यंजन बनाते हैं, उसी प्रकार इस आध्यात्मिक त्योहार में हमारे नए नए आंतरिक व्यंजन बने, स्वादिष्ट व्यंजन बने। घर के व्यंजनों जैसे नहीं, लेकिन जैसा उनका उपादान है शुद्ध चैतन्य, उसके अनुरूप ही वे व्यंजन बने। कोई नए स्वाद की उपलब्धि हो, अब तक जो स्वाद लेते आए हैं वह स्वाद तो आत्मा के भीतर पहुंचा ही नहीं। मुंह जड़ है तो मुंह में पहुंच गया, लेकिन वह घर के व्यंजनों का स्वाद आत्मा में नहीं पहुंचा, और आत्मा के अज्ञान से उत्पन्न हुए विकल्प ने उस स्वाद को छुआ भी नहीं। जो विकल्प ये कहता हुआ, ये मानता हुआ प्रकट हुआ, यह स्वाद मुझे आ रहा है, वह कतई झूठ है, क्योंकि उस विकल्प में व्यंजन और व्यंजन का स्वाद नहीं आता, और यह विकल्प भी अपने स्थान से, अपनी पर्याय से हटकर उस स्वाद में नहीं जाता। इसलिए इस सारी की सारी अनादि की कथा, जिसका जन्म केवल इस अज्ञान के कारण हुआ कि जगत का कोई भी तत्व, कोई भी विजातीय तत्व मेरे भीतर मैंने मेरे शुद्ध चैतन्य में तो दूर, लेकिन मेरी विकारी पर्याय में भी उस विजातीय तत्व का प्रवेश नहीं होता, ऐसा जिसने नहीं जाना वो अज्ञानी उस स्वाद को अपने भीतर मानता हुआ, अपने भीतर कल्पना में आत्मसात करता हुआ यह कहता है यह मैं खा रहा हूं, ये स्वाद मुझे आ रहा है। दशलक्षण पर्व उस स्वाद के दिवस नहीं है। वह स्वाद तो हमको एकदम तिरोभूत करके
विवशता के कारण यदि होता है तो कम से कम कर देना चाहिए और उस विलक्षण स्वाद को उत्पन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए कि जिसके उत्पन्न हो जाने पर मुक्ति का रिजर्वेशन हो जाता है। इसलिए दक्षिण दस लक्षण पर्व वे जागतिक साधना के पर्व नहीं है, सांसारिक साधना के पर्व नहीं है, कर्मकांड की साधना के पर्व नहीं है। यद्यपि कर्मकांड की शुभ भाव की शुभोपयोग की इन दिनों में अधिकता होती है, लेकिन ये पर्व उस कर्मकांड के और शुभोपयोग के दिन भी नहीं है। वो होता है तो उसका एक प्रयोजन है, उसकी एक उपयोगिता है कि वह होता हुआ चूंकि वो मंद कषाय रूप होता है, यदि भाव में हो तो केवल जड़ क्रिया में हो, शरीर की क्रिया में हो, तब तो वह निरर्थक है, वो पाप भी नहीं है और पुण्य भी नहीं है और उससे आत्मा को कोई उपलब्धि नहीं है। उससे तो उपलब्धि नहीं है, लेकिन यदि हम केवल उसे शुभोपयोग रूप कर्म कांड में सीमित रह गए तो भी दस लक्षण की उपलब्धि जीरो रही, बिल्कुल कोई नई उपलब्धि नहीं हुई। अरे अगर नया त्योहार आया है तो निश्चित ही नई उपलब्धि होना चाहिए। इस संकल्प लेकर यदि हम बैठे तो हमें जो मिलेगा वह अत्यंत नवीन और अभूतपूर्व होगा। जो अनादि से नहीं मिला ऐसी अद्भुत संपत्ति हमको मिलेगी, जैसा अभी आपने संवर अधिकार में हमारे सम्माननीय विद्वान श्री वीरेंद्र जी से सुना है। बड़ा सुंदर प्रवचन है और आत्मसात करने लायक है। वास्तव में तो केवल सुनने का विषय नहीं, तो इसलिए दस लक्षण पर्व या दस लाक्षणी पर्व ये केवल दिगंबर जैन दर्शन के पर्व हैं। विश्व भर में अलोकाकाश तक ये पर्व अन्यत्र कहीं भी नहीं पाए जाते, केवल दिगंबर जैन दर्शन में ही उसको ही ये सौभाग्य प्राप्त होता है। और इन दिनों में इन पर्वों का शुभागमन होता है। पर्वों में जितने भी हमारे पर्व हैं उनमें हमारे संगति के कारण, कहना चाहिए कुसंग के कारण, विकृतियां आई हैं और उसके कारण
पर्व का स्वरूप लुप्त हो गया है। यही दशा दशलक्षण पर्व की हुई है कि दशलक्षण पर्व को हम थोड़ा दयादान पूजा आदि करके, अधिक पूजाएं करके, क्योंकि इन दिनों में अनेक पर्व और शामिल हैं, 16 कारण, पंचमेरु इत्यादि इत्यादि और भी शामिल हैं। इस सारी पूजाएं तो हम अवश्य अवश्य करके और निवृत्त हो जाते हैं, और वहां एक सबसे बड़ा दोष ये होता है, बल्कि अपराध होता है, कि हम अपने आप को कृतकृत्य मान लेते हैं। जब वहां कृतकृत्यता है ही नहीं, वहां तो एक ऐसी भूमिका बनी है, एक ऐसी पृष्ठभूमि बनी है कि अगर हमने अपनी भाव भूमि में उस पूजा के भावों को उतारा है तो कषाय अवश्य मंद हो जाती है, चाहे वो अनंतानबंदी हो, और अनंतानबंदी ही होती है सम्यक दर्शन जब तक नहीं है तब तक वो अनंतानुबंधी कषाय मंद हो जाती है। तो उस मंदता को विशुद्धि भी कहते हैं। जैसे पाप को हम कलमश कहते हैं, दुष्कर्म कहते हैं, उसकी अपेक्षा उस मंदता को हम विशुद्धि भी कहते हैं, पुण्य भाव, शुभ भाव और शुभोपयोग भी कहते हैं। सचमुच देखा जाए तो जैसे पाप भाव तीव्र कषाय है, उसी प्रकार पुण्य भाव मंद कषाय है। कषाय कषाय है पाप से, पाप की तीव्रता से पुण्य भाव मंद कषाय तक आया है। तो ये जो मंद कषाय तक आया है, तो क्या इसमें ये मंद कषाय और तीव्र कषाय के बीच का जो हिस्सा है, इसमें क्या कषाय का अभाव हुआ है कि ये बिल्कुल भ्रम है? ये ज्ञान की स्वच्छता और ज्ञान का वास्तविक क्षयोपशम नहीं है, ये ज्ञान स्वच्छ नहीं है, सही नहीं जाना है इस ज्ञान ने। बुखार तेज से मंद हुआ है मेटासिन लेने पर, तो वो तेज से मंद होने पर बीच का जो भाग है उसमें क्या कुछ वो ज्वर कटा है कि एक अंश भी नहीं कटा है? वो तीव्र से मंद हुआ है केवल, तो तीव्रता जैसे ज्वर है वैसे ही मंदता भी पूरी की पूरी ज्वर है, उसमें आरोग्य का नाम निशान नहीं है। ठीक इसी तरह है यह जितना भी कर्म कांड का हम आशय, कर्म कांड मैंने शरीर की क्रिया नहीं, कर्म कांड मैंने पूजा की थालियां नहीं, कर्म कांड मैंने 8 द्रव्य और उनका इधर से उधर चढ़ाना नहीं, यहां तक तो सारी जड़ की क्रिया हुई। तो क्या हुआ इससे आगे है पूजा? इससे आगे ये कि उन द्रव्यों का अवलंबन लेकर, उन द्रव्यों को अपना आलंबन बना, भावों का आलंबन बनाकर हम कषाय को मंद करके कोमल भाव भूमि में, स्वर संगीतों में बड़े विशुद्ध परिणाम से पूजा करते हैं।
तो उस कषाय की मंदता में स्वर्ग तो भले ही मिल जाए पर वो तो क्लेश के अंगारे हैं। स्वर्ग का जो निवास है वो तो क्लेश का अंगारा है, वहां तो सिकता है ये विषयों की आग में, लेकिन उसका जो उपयोग है वास्तव में वो ये कि वो कषाय मंद होती है तो वो एक ऐसा चांस है कि हम उस कषाय की मंदता के समय श्री गुरु से यदि सच्चा तत्व ज्ञान आत्म स्वरूप का वास्तविक उपदेश ये सुनकर और हम अपने ज्ञान के द्वारा श्रुत ज्ञान के द्वारा हम यदि उसके पुरुषार्थ पूर्वक श्रुत ज्ञान के पुरुषार्थ पूर्वक श्रुत ज्ञान को ढीला करके नहीं श्रुत ज्ञान में से सारे जगत को निकालकर उसको विविक्त करके उसको खाली करके उसमें कुछ न रहे, उसमें जगत के पदार्थ तो रहे ही नहीं लेकिन पाप और पुण्य के भाव भी न रहे, इस तरह है भी नहीं, वैसे सदा से ही नहीं है, वो तो हमने जबरदस्ती कल्पना में जोड़ लगाकर उस श्रुत ज्ञान को पाप और पुण्य के साथ जोड़ दिया है और नरक तिर्यंच देव और मनुष्य का संचय किया है। लेकिन वास्तव में ज्ञान में तो कषाय का प्रवेश, क्रोध मान माया लोभ का, मोह राग द्वेष का प्रवेश अज्ञान तक में नहीं होता, ज्ञान की बात तो बहुत दूर है। लेकिन अज्ञान भी ज्ञान की ही पर्याय है, मिथ्या पर्याय है, कि वह मिथ्या पर्याय उन शुभाशुभ भावों को आत्मा का स्वरूप मानकर प्रवृत्ति करती है, लेकिन वे शुभाशुभ भाव यद्यपि ज्ञान के द्वारा मोक्ष के मार्ग माने जाते हैं, शुभ भाव अशुभ भाव नहीं, शुभ भाव यद्यपि मोक्ष मार्ग माना जाता है लेकिन फिर भी वह शुभ भाव उस अज्ञान भाव में भी प्रविष्ट नहीं होता, क्योंकि वो तो ज्ञान है। अगर उस ज्ञान में मैंने अज्ञान रूप परिणमित होते हुए शुभ भाव को मोक्ष का मार्ग मानकर प्रवृत्त होते हुए अज्ञान में के जो ज्ञान की अज्ञान रूप मिथ्या पर्याय है, गलत पर्याय है, उस पर्याय में अगर शुभ भाव का प्रवेश हो जाए तो वो जड़ हो जाएगा, ज्ञान जड़ हो जाएगा, क्योंकि उसका प्रवेश हो गया ना ज्ञान में शुभ भाव का, इसलिए वो अज्ञान उस शुभ भाव से दूर रहकर शुभ भाव के साथ उपयुक्त होता है। जैसे एक सफेद वस्त्र होता है और वो सफेद वस्त्र रंगा जाता है तो रंग से लाल पीला केसरिया हो जाता है, तो जो केसरिया हुआ है तो वस्त्र तो उसके भीतर श्वेत विद्यमान है, केसरिया के भीतर वो केसरिया ही नहीं हो गया है लेकिन श्वेत वस्त्र ने केसरिया रंग का संयोग संग करके और उससे अनुरंजित होकर अब वो केसरिया दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में उस केसरिया रंग को उस वस्त्र से भिन्न जानकर, क्योंकि वो भिन्न ही है, पहले भी भिन्न था और अब वस्त्र के साथ है तो भी भिन्न है, क्योंकि वो रंग है और वो वस्त्र है, इसलिए दोनों भिन्न भिन्न होने के कारण हम उस केसरिया रंग को थोड़े समय के लिए आंखों से ओझल कर दें
तो उस केशरिया रंग के समय ही हमको व्यवस्थित सफेद दिखाई देगा, सफेद अनुभव में आएगा, श्वेत अनुभव में आएगा। उसी प्रकार ज्ञान उस शुभ भाव का संग करके उससे उपयुक्त होकर, उससे अनुरंजित होकर, उससे रंगा जाकर और शुभोपयोग कहलाता है। लेकिन वास्तव में शुभ भाव का उपयोग में प्रवेश नहीं होने के कारण यदि ज्ञान इतना जान ले कि मैं इसके साथ उपयुक्त होने पर भी ये शुभ भाव मेरे भीतर प्रवेश नहीं करता, इस सारा कर्मकांड जितना भी शुभ भाव रूप होता है, दया दान पूजा व्रत शील उपवास जो वर्तमान में किए जाएंगे, दस लक्षण में किए जाएंगे, भले ही शक्ति ना हो तो भी दस लक्षण के उपवास हो रहे हैं, भले ही शक्ति ना हो तो भी सोलह कारण के व्रत हो रहे हैं। अरे ये तो सिर्फ सम्यक दर्शन के बाद की बात है, ये हम किस आधार पर कर लेते हैं ये कुछ समझ में आने लायक बात नहीं है। सम्यक दर्शन होने पर जब ये व्रत किए जाते हैं तो उनको शुभ भाव मानकर, बंध का कारण जानकर, अपना कर्म और अपना धर्म न मानकर और उनसे हेयत्व किया जाता है, हेय होते हुए उनमें प्रवृत्ति की जाती है। लेकिन पहले सम्यक दर्शन में ये भेद विज्ञान हो तो ये सब होता है। इसलिए हम तो केवल इस कोरे शारीरिक कर्मकांड में, अधिकांश लोग तो कोरे शारीरिक कर्मकांड में दस लक्षण की पूर्णाहुति कर देते हैं। मेरे रत्न त्रय का व्रत है, अरे ये जवान बंद हो जानी चाहिए, रत्न त्रय का स्वरूप नहीं जानता, सोलह कारण का स्वरूप नहीं जानता, दस लक्षण का स्वरूप नहीं जानता और उनके व्रतादि किए जा रहे हैं और उसमें भी हम उपवास का स्वरूप ही नहीं जानते। इसलिए उस उपवास में भी यदि दस दिन का उपवास किया है तो बीच में पानी ले लेते हैं, बीच में कई लोग तो बादाम भिगो भिगो कर खा लेते हैं, इतना सब कर लेते हैं। तो यह तो एक दिन का भी एकाशन भी नहीं हुआ, उपवास तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि उसने तो प्रतिज्ञा का भंग किया है। क्योंकि उपवास में चार प्रकार के आहार का त्याग होता है, चतुराहार विसर्जनम उपवास है, चार प्रकार के आहार का त्याग उपवास होता है। और उस उपवास में यदि एक जल की बूंद भी ले ली तो वो सारा उपवास खत्म हो गया और वो दो बार खाने में प्रवृत्त हो गया, एकाशन भी नहीं हुआ, क्योंकि प्रतिज्ञा का भंग रूप पाप हुआ है। इसलिए कम से कम इसके स्वरूप को समझें और सम्यक दर्शन में जब आत्मानुभूति हो और उस आत्मानुभूति में उस शुद्ध चैतन्य की अनुभूति, उस शुद्ध चैतन्य स्वरूप ही हो, अनुभूति स्वरूप ना हो लेकिन शुद्ध चैतन्य रूप ही हो, मैं तो एकमात्र शुद्ध चैतन्य हूं, ऐसा स्वर भरता हुआ जब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होता है, अभेद भाव से शुद्ध चैतन्य के साथ वो एकता करके अपने आप को तिरोभूत करके, पर्याय अपने आप को गौण करके, और जब द्रव्य का रूप धारण करके बोलती है मैं शुद्ध चैतन्य है, पर्याय स्त्रीलिंग है, लेकिन वो पर्याय बोलती है पुल्लिंग अर्थात द्रव्य के रूप में, मैं तो शुद्ध चैतन्य ज्ञायक और आनंद तत्व हूँ, शाश्वत ध्रुव तत्व हूँ, ऐसा जब अनुभव करती है तो उसका नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और स्वरूपाचरण चरित्र होता है, उस समय जन्म होता है और तब हे तत्व को वास्तव में जाना जाता है। इसलिए जितने भी ये
कर्म कांड के अर्थात शुभ भाव के, शरीर के बिल्कुल नहीं, लेकिन शुभ भाव सारा का सारा कर्म कांड कहलाता है। उसको उसको समझकर, उसको हे जानकर किया जरूर जाए, लेकिन उससे होने वाली मंद कषाय का जो उपयोग है, वह उपयोग यदि हम नहीं करते हैं और उस कर्म कांड तक सीमित रह जाते हैं, तो स्वर्ग जाकर, विश्व में जाकर लिपट कर वापिस ये केंद्रीय हो जाते हैं और दुर्दशा हो जाती है। इसलिए दस लक्षण पर्व की उपयोगिता महान है कि हम उस शुद्ध चैतन्य का स्वरूप सबसे पहले समझें। दस लक्षण भी हमारे शब्दों में, हमारे बोलने में काफी विकृत हुआ है। 100 में से 100 लोग दस लक्षण शब्द का प्रयोग करते ही नहीं, वो तो पर्युषण शब्द का प्रयोग करते हैं। और पर्युषण नाम की चीज दिगंबर जैन आगम में कहीं है ही नहीं। पर्युषण तो ग्रहित मिथ्यात्व है, वो तो काल्पनिक वस्तु है बिल्कुल। वो तो ये सत्य दिगंबर जैन धर्म है, सत्य दिगंबर जैन धर्म। सारे विश्व में यदि कोई सत्य है तो वह वीतराग संतों का, तीर्थंकरों का दिगंबर जैन धर्म है। अन्यत्र यदि इसका अनुकरण करके कुछ सत्य भी कहा जाता है तो वो सारा का सारा झूठ है। वहां आत्मा का स्वरूप, आत्मा को ही नहीं माना जाता, केवल भगवान को माना जाता है। तो आत्मा का स्वरूप का पता ही नहीं है तो चिंतन किसका होगा, किसके पास जाएगा। इसलिए पर्युषण शब्द वास्तव में हमारे आगम में, दिगंबर आगम में कहीं भी नहीं है, वह श्वेतांबरों की कल्पना है। और वे लोग हमारे दिगंबर दस लक्षण से पूर्व ही उन पर्वों को मना लेते हैं और अपने मुंह के आराम के लिए और प्रयत्न की लघुता के लिए, ये भाषा विज्ञान का, मनोविज्ञान भाषा विज्ञान का ये स्वरूप है कि उसमें हम किसी लंबे शब्द को जल्दी बोलने के लिए, आराम से बोलने के लिए छोटा रूप कर लेते हैं। तो हमने भी नकल करके दस लक्षण और दस लक्षणी कहना तो छोड़ दिया और पर्युषण के नाम से सारा जगत, सारे विद्वान, सारे दिगंबर विद्वान वो दस लक्षण को पर्युषण के नाम से पुकारते हैं। यह ग्रहित मिथ्यात्व है। हमने दस लक्षण जैसे सत्य महापर्व को, अनादि निधन महापर्व को उस कल्पित पर्युषण में आरोपित कर दिया। ये कितना बड़ा अनर्थ किया, कितना बड़ा पाप किया है। ये पाप है, ये इसमें पुण्य भी नहीं है। इसलिए उस शब्द का तो यदि हमें ये बात हम कहते हैं, क्या करें, हमारी आदत पड़ गई है और हमारे मुंह से तो शब्द ही यही निकलता है। दस लक्षण लंबा पड़ता है ना, दस लक्षण ही लंबा पड़ता है, इसलिए वो लंबा नहीं बोला जाता, पर्युषण झट बोलने में आता है। अरे अगर अपने लड़के का नाम, लड़की का नाम कुछ थोड़ा लंबा रख दिया तो फिर क्या उस नाम से नहीं पुकारेंगे, उस नाम से पुकारा नहीं जाएगा। एक छोटा नाम रख लेंगे तो, छोटा नाम रख लेंगे तो भी उसका जो वास्तविक नाम है वो तो लंबा ही रहेगा ना, कि लंबा ही रहेगा ना। एक व्यक्ति ने अपनी लड़की का नाम रखा, ये टीचर था, पढ़ाने वाला था, तो उसने बहुत दिमाग लगाया कि लड़की का ऐसा नाम रखा जाए जो जगत में कहीं नहीं मिले और जिसमें सारे जगत के नाम शामिल हो जाएं। तो उसने अपनी लड़की का नाम रखा कि इष्ट कुमार
धन पद्म प्रकाश, धन पद्मावती बाई देवी, इसमें सब आ गया ना, बाई और देवी और कुमारी, इष्ट कुंवर कुमारी भी आ गया, देवी भी आ गई, सब आ गया। इष्ट कुंवर धन पद्म प्रकाश धन पद्मावती बाई देवी, तो ये नाम रख लिया उसने। अब वो बोलेगी तो इसी नाम से, वो रोएगी तो इसी नाम से रोएगी ना, वो मरेगी तब। इसी तरह हमने दस लक्षण को गौण करके नहीं बल्कि लोप करके और पर्युषण शब्द को अंगीकार कर लिया है, ये महा अनर्थ किया है और दिगंबर जैन धर्म को कलंकित किया है। क्योंकि जो बिल्कुल काल्पनिक है, जिनमें सच्चाई का जिस पर्युषण और जिस पर्युषण के जो फॉलोअर हैं, जो अनुयायी हैं, उन मानने वालों में सत्य का नाम निशान नहीं है, कहना यह होता है कि जो जैन दर्शन का तत्व ज्ञान है वो तो शुद्ध चैतन्य पर आधारित है और वो तो बहुत सूक्ष्म है। यदि हमें ये मोटी बात दस लक्षण और पर्युषण की याद नहीं रहती तो तत्व ज्ञान तो कभी याद रहने वाला है ही नहीं, और भीतर उतरने की बात तो बहुत दूर चली जाती है। इसलिए ये जो हमारे मुंह से ये जो शब्द निकलता है, ये शब्द आगम में ना होने के कारण, बिल्कुल कल्पित होने के कारण और ग्रहित मिथ्यात्व होने के कारण, इसके प्रयोग में ही ग्रहित मिथ्यात्व का पाप होता है। इसलिए इसको छोड़कर हम केवल हमारे दशलक्षण पर्व का नाम लेकर पुकारें तो वास्तव में ये दशलक्षण पर्व हमारे समझ में आएंगे तो थोड़ा हम शुद्धात्मा के निकट पहुंच सकेंगे। अब दशलक्षण में हम दश धर्मों की पूजा करते हैं, उनका स्मरण करते हैं और बल्कि ऐसा मानते हैं आज क्षमा धर्म का दिन है, ऐसा कहा तो जाता है। लेकिन आज क्षमा धर्म का दिन है तो नौ धर्म के दिन कब आएंगे? आज तो केवल क्षमा धर्म का दिन है ना, और नौ धर्म के दिन अब एक एक करके आएंगे, तो ये भी बहुत बड़ी भ्रांति है। आज क्षमा धर्म का दिन है, ये पहला एक क्रम है, क्षमा मार्दवार्जव इत्यादि, इसकी अपेक्षा से हम कहते हैं कि आज क्षमा धर्म का दिन है। लेकिन वास्तव में आज दशों धर्म का दिन है और दशों ही धर्म हमारे श्रद्धा में और आचरण में होने चाहिए। इसलिए ये दिन केवल एक दिन का नहीं होता, लेकिन दशों ही धर्म का प्रत्येक दिन होता है, और उन धर्मों में हम उस शुभ भाव का थोड़ा अवलंबन लेकर, अवलंबन में केवल वो रहे, केवल वो मंद कषाय रूप शुभ भाव रहे, फिर उसकी ओर से मुंह मोड़कर हम अपने शुतक ज्ञान को शुद्धात्मा की ओर ले जाने का पुरुषार्थ करें और उसे भाव शुतक ज्ञान रूप परिणित करके शुद्धात्मा की अनुभूति करें, तो समझ लेना चाहिए कि दस लक्षण पर्व धन्य हो गया। लेकिन ये प्रयत्न हमारा नहीं होता, हम तो केवल व्रत उपवास इत्यादि को करके पूजा, तो क्या नहीं करें? कि नहीं करने की बात तो यहां कही नहीं जाती। अरे नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? नहीं करेंगे तो वर्तमान में वीतराग भाव मुनि दशा तो आने वाली है नहीं, इतना पुरुषार्थ तो हमारे पास है नहीं, पाप में हमें जाना नहीं है क्योंकि नरक निगोद नहीं जाना है, तब वर्तमान में हमारे पास
केवल पुण्य भाव मंद कषाय की परिस्थिति बसती है और इस मंद कषाय की बीमारी में है बीमारी पुण्य भाव सब आकुलता है सारा का सारा सारा कर्म कांड सारा शुभ भाव वो मंद आकुलता है और मंद आकुलता को आराम के नाम से भी पुकारा जाता है। मंद आकुलता होने के कारण पाप की अपेक्षा से उसे विशुद्धि और पवित्रता के नाम से भी पुकारा जाता है लेकिन वह पवित्रता नहीं है वह समूल विकार ही विकार है सारा का सारा पुण्य भाव शुभ भाव और शुभोपयोग ये सब विकार है। तो ये जो दश धर्म है ये दश धर्म क्रम से कहे गए हैं और हम ये कहते भी हैं आज क्षमा धर्म का दिन है आज मार्दव धर्म का दिन है आज क्रोध नहीं करना। तो आज का दिन समाप्त हो गया और क्रोध नहीं किया करना ये तो कहने की बात है। केवल क्रोध तो तब नहीं होगा कि जब अक्रोध क्रोध शून्य आत्म तत्व को जब तक समझा नहीं जाएगा क्रोध होगा ही नहीं। कहां से आएगा क्रोध उस आत्म तत्व में क्रोध है ही नहीं और वो आत्म तत्व वो शुद्ध चैतन्य मैं हूं। जब मेरे में क्रोध नहीं है तो क्रोध कहां से जाएगा। लेकिन हम केवल आज के दिन को क्षमा का दिन मानकर समाप्त कर देते हैं और दूसरे दिन से ही क्रोध तो शुरू कर देते हैं और मार्दव को धारण कर लेते हैं। लेकिन ये सब झूठी प्रक्रिया थोथी प्रक्रिया अपने आप को छलने की प्रक्रिया है धोखा देने की प्रक्रिया है। वास्तव में सारे ही धर्मों का एक ही दिन होता है सारे ही धर्मों की साधना एक ही दिन होती है। अलग अलग दिन तो केवल कहने के लिए होते हैं। अब दश धर्म तो पहले जो बात आई कि हम व्रत उपवास इत्यादि करें शक्ति हो तो करें केवल शरीर को कृश करने के लिए जैसा कि हमने अन्य मतावलंबियों की तरह जैनेतरों की तरह माना है कि शरीर और इंद्रियां ये हमको काफी कष्ट देती हैं ये बहुत बलवान है ये विषयों को ग्रहण करती हैं और ये विषय हमको नरक ले जाते हैं इस तरह मानकर हमने उन शरीर और इंद्रियों को ही दोषी मानकर उस हमारे शारीरिक कर्मकांड के द्वारा इनको क्रश करना शुरू कर दिया ये तो महापाप किया है। जैसे अन्य लोग करते हैं कि भाई ये जो जिह्वा है ना ये मानती नहीं है ये कान जो है वो सुनते हैं तो सुनते ही हमको विकार हो जाता है तो वो कान फोड़ लेते हैं ये आंखें देखती हैं तो इनको ये जो जिन चीजों को देखते हैं जिन विषयों को देखते हैं तो तुरंत विकार हो जाता है तो आंखें फोड़ लेते हैं। लेकिन वो विकार का जो केंद्र है वो तो मन है वो तो ज्ञान है और उसमें सारा का सारा विकार संग्रहित है और वो आंखें फोड़ देने पर कान फोड़ देने पर भी वो विकार क्रम क्रम से स्वप्नों की तरह छाया की तरह से हमारे मन में आया करते हैं और रंच मात्र भी विकार का नाश नहीं होता। इसलिए शुभ भाव को केवल शुद्ध भाव में पहुंचने की एक पृष्ठभूमि बनावे और शुभ भाव को अत्यंत हेय जानकर अत्यंत छोड़ने लायक जानकर फिर उसमें प्रवृत्ति करते हुए छोड़ने लायक जाना लेकिन अभी छोड़ने लायक नहीं। छोड़ने लायक तो त्रिकाल है लेकिन इस समय वितराग भाव की भूमिका नहीं है इसलिए वो छूटेगा नहीं छोड़ने लायक तो माना ही जाएगा। त्रिकाल छोड़ने लायक तो माना ही जाएगा लेकिन वर्तमान में उसमें प्रवृत्ति करते हुए धीरे धीरे
वह छोड़ने की अवस्था में आएगा कि जब वितराग भाव बढ़ता जाएगा, शुद्ध ज्ञान का शुद्धात्मानुभूति में प्रवर्तन होने से और वो स्थिरता, वो लीनता बढ़ने से वितराग भाव बढ़ता है और तब कषाय मंद होती जाती है और उस मंद कषाय को पुण्य कहते हैं। इसलिए जितनी जितनी आगे जाकर वितराग भाव के बढ़ने पर मंद कषाय होती है तो पुण्य बढ़ता जाता है, पुण्य घटता नहीं है। पाप तो नष्ट हो जाता है, पाप भाव तो मुनिराज को समाप्त हो गया, लेकिन सम्यक दर्शन होने के बाद जो श्रावकों को, मुनिराज को और उससे आगे दसवें गुण स्थान तक जो पुण्य का भाव आता है, वो पुण्य का भाव बढ़ता हुआ आता है। मंद कषाय होती है अर्थात पुण्य भाव बढ़ता है, मंद कषाय का नाम ही तो पुण्य भाव है ना। तो जितनी मंद कषाय होगी उतना ही पुण्य और विशुद्धि ज्यादा होगी ना, इसलिए वो दसवें गुण स्थान तक वो विशुद्धि, वो पुण्य भाव बढ़ता हुआ चलता है और अंत में जैसे पेड़ पर फल पककर और टूटकर नीचे गिर जाता है, उसी प्रकार जब शुद्ध ज्ञान शुद्धात्मा में लीनता करता हुआ और शुद्धात्मा में स्थिरता करता हुआ तूफानी चाल से आगे बढ़ता है तो बारहवें गुण स्थान में, क्षीण मोह गुण स्थान में वितराग भाव का जब जन्म होने को होता है, बारहवें गुण स्थान का जब प्रारंभ होने को होता है, तो उसे पूर्व क्षण में ही वो सारा का सारा पुण्य भाव समाप्त हो जाता है, शुभ भाव समाप्त हो जाता है। आगे शुभ भाव का नाम निशान है ही नहीं। बारहवें तेरहवें चौदहवें गुण स्थान शुभ भाव को चारित्र कहने वाले लोग, शुभ भाव में अनुरक्त रहने वाले लोग, शुभ भाव को मोक्ष का मार्ग मानने वाले लोग इस बात को ध्यान पूर्वक सुन ले। ये बहुत ध्यान से सुनने की है बात। उसमें रंच मात्र धर्म नहीं है, क्योंकि वो धर्म का निमित्त अगर हम बनावे अपने शुद्ध ज्ञान के पुरुषार्थ से, तो उसके रहते हुए हम शुद्ध ज्ञान को शुद्ध चैतन्य के निकट ले जाकर उसका अनुभव कर सकते हैं। वो एक ओर रहे, वो एक ओर पड़ा रहे, उसका विकल्प भी न आवे शुभ भाव का, तब ये होगा। अगर शुभ भाव का विकल्प आता रहे उधर शुद्ध ज्ञान शुद्धात्मा की ओर उसका चिंतन करता हुआ बढ़ता रहे, ये दो काम एक साथ नहीं होंगे। इसलिए शुभ भाव केवल रहे छाया की तरह, जैसे छाया में पथिक ठहर जाता है, लेकिन ठहरा है जाने के लिए, वहां सो जाने के लिए नहीं। उसी तरह शुभ भाव आया है उसका जैन दर्शन में केवल एक उपयोग, इतनी उपयोगिता, इतनी यूटिलिटी है कि हम शुभ भाव के होने पर अगर उस समय शुद्ध ज्ञान के पुरुषार्थ को जगा कर और शुद्धात्मा का स्वरूप भगवान सदगुरु से सुनकर उसकी ओर अगर ले जाते हैं तो आत्मा की अनुभूति इस रूप में होती है। अनुभूति अनुभूति के रूप में नहीं, पर अनुभूति मैं शुद्ध चैतन्य हूं ऐसा बोलती हुई प्रकट होती है, अर्थात वो अपने आप को द्रव्य बना लेती है, वो अनुभूति रहती नहीं। उस अनुभूति का भी अनुभूति में तेरो भाव है, अनुभूति अनुभूति में नहीं है, अनुभूति में शुद्धात्मा पसर गया है, इसलिए अनुभूति के लिए जगह नहीं है। ऐसी सुंदर और बढ़िया जैन दर्शन, ये दिगंबर जैन दर्शन की बातें हैं कि जो अन्य कहे जाने वाले जैन दर्शनों में और दूसरे दर्शनों में तो इनका सपना भी नहीं आएगा, कभी मिलेगी भी नहीं। तो ये दस लक्षण का
हमारा कुछ कर्तव्य हुआ। अब दश धर्म है उनकी थोड़ी चर्चा करते हैं कि क्या धर्म दश होते हैं। जैसे क्षमा नाम का धर्म, मार्गव नाम का धर्म, आर्जव नाम का धर्म, इस प्रकार ब्रह्मचर्य तक, क्या ये दश प्रकार के धर्म होते हैं? तो दश प्रकार के धर्म के लिए उनके प्रकट होने के आधार भी दस प्रकार के होने चाहिए। अगर वो धर्म न्यारे न्यारे हैं और अलग अलग हैं तो क्या वे धर्म अलग अलग हैं? अरे जो क्षमा है वही मार्दव है, ये चारित्र की पर्याय है। असल में सम्यक दर्शन तो हो चुका, हमको नहीं हुआ तो वो तो हम तो अभागे हैं, जन्म के अभागे। 60-60, 80-80 बरस दस लक्षण मनाते हो गए लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सके, ये चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाने की बात है। सम्यक दर्शन के बिना तो न उत्तम क्षमा होगी, न उत्तम मार्दव होगा, न उत्तम आर्जव होगा। ये तो सम्यक दर्शन होने पर श्रावक और मुनिराज को ही होते हैं, अन्य को होते ही नहीं। अन्य को जो कहे जाते हैं वो केवल व्यवहार है और व्यवहार तो असत्य होता है, झूठा होता है, उसका विश्वास नहीं किया जाता, वो शुद्ध नहीं है, वो विकार है। तो विकार से निर्विकार की उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए ये धर्म वास्तव में दश नहीं है। ये अच्छी तरह सुनने की बात कि धर्म दश नहीं होते, धर्म तो वास्तव में एक ही होता है और वह है शुद्ध रत्नत्रय धर्म अथवा चारित्र। चारित्रम खलु धम्मो, ऐसा प्रवचन सार का वाक्य है। चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जो समोति निर्दिष्टो, मोह खोर विहीनो, परिणामो अपनो ही समो। चारित्रम खलु धम्मो, सम्यक दर्शन धर्म की जड़ है और चारित्र उसका वृक्ष है, हरा भरा फल फूल से लदा हुआ, मिष्ट महामधुर विलक्षण स्वाद वाले फलों से लदा हुआ, वो चारित्र का सुहावना वृक्ष है, सुहावनी वाटिका है वो चारित्र की, कि जिसमें पहुंच जाने पर मुनिराज को बाहर आने का मन ही नहीं होता। उस चारित्र की वाटिका में, उस आनंदमय वाटिका में पहुंच जाने पर मुनिराज स्वरूप मंथर हो जाते हैं और बाहर से उत्सर्ग होता रहता है। बाहर से घोर उत्सर्ग शरीर पर, लेकिन वह उत्सर्ग शरीर से आगे जाता ही नहीं, वह उनके भावों में नहीं पहुंचता, शुद्ध चैतन्य में कहां से पहुंचेगा। मुझे उत्सर्ग हो रहा है ये अज्ञानी है, ये अज्ञानी तो समझता नहीं है, मैं तो मुनि हूं, मुझे तो ये उत्सर्ग बर्दाश्त करना चाहिए, ये सारा का सारा अज्ञान भाव है, ये ज्ञान भाव नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है। अपने आप को मुनि मानना भी अज्ञान भाव है, सिद्ध भगवान अपने आप को सिद्ध मानते ही नहीं है, शुद्ध चैतन्य मानते हैं। तो अपने को मुनि मानना ये मुनित्व नहीं है, उसमें असली मुनित्व है ही नहीं, क्यों? इन्हें पर्याय को मान लिया है, जो पर्याय है वो तो विश्वास करने लायक है ही नहीं क्षणभंगुर होने के कारण, इसलिए पर्याय को संपूर्ण आत्मा मान ले तो वो तो मिथ्या दर्शन है, घोर कि घोर मिथ्या दर्शन है। इसलिए ध्रुव जो चैतन्य है वो ध्रुव चैतन्य ही आत्मा है, वास्तविक आत्मा, और उस ध्रुव चैतन्य का अवलंबन लेकर मैं तो ध्रुव और शाश्वत आनंदमय चैतन्य हूं, इसका नाम धर्म है, इसको धर्म कहते हैं। इसलिए दस धर्मों में नाम तो दस हैं, लेकिन इस बात का स्पष्टीकरण होना चाहिए
क्योंकि संभवत है 100 लोगों में से एक को भी ये पता नहीं कि 10 धर्म क्या होते हैं। वो तो सीधा ये मानते हैं कि धर्म 10 प्रकार के होते हैं, और धर्म 10 प्रकार के होते ही नहीं, धर्म केवल एक ही शुद्धात्मा का आचरण रूप, शुद्धात्मा के अनुष्ठान रूप जो चरित्र है वो धर्म होता है, उसका नाम धर्म है। उसमें आनंद की कल्लोलें उठती हैं, आनंद के फव्वारे चलते हैं, उसमें भीतर शुद्ध चैतन्य भरा हुआ है, आनंदमय, आनंद से ओतप्रोत, विलक्षण आनंद से, भोगों का आनंद नहीं लेकिन विलक्षण आनंद से भरा हुआ जो शुद्ध चैतन्य है, उस शुद्ध चैतन्य में अनुभूति का बटन दबाते ही आनंद के फव्वारे चलते हैं, उसको धर्म कहते हैं। वो आनंद का जो फव्वारा चला उसको धर्म कहते हैं। और ध्रुव धर्म तो शुद्ध चैतन्य है, जहां से ये आते नहीं, वो तो यो का यो रहता है, वही का वही, उतना का उतना, उसमें से ये नहीं आता है, आनंद भी उसमें से नहीं आता है। लेकिन जो पर्याय उसका लक्ष्य करके और उसके स्वर में अपना स्वर भर के अपने आप को शुद्ध चैतन्य घोषित करने लगी, तो पर्याय शुद्ध होकर और आनंदमय होकर आनंद का अनुभव करने लगती, उसमें अपना निजी आनंद प्रकट होता है पर्याय में। वो जो शुद्धात्मा का चैतन्य का जो ध्रुव आनंद है वो तो उतना का उतना, वही का वही पड़ा रहता है, क्योंकि गुण तो ध्रुव होते हैं, इसलिए वो तो उतना का उतना ही पड़ा रहता है, उसमें कभी हीनाधिकता होती नहीं। जैसे द्रव्य में हीनाधिकता नहीं होती, उसी तरह गुणों में भी हीनाधिकता नहीं होती, तो फिर ये आनंद कहां से आता है? कहते ये जो पर्याय प्रकट हुई भाव शुद्ध ज्ञान की, इस भाव शुद्ध ज्ञान की पर्याय ने उस शुद्धात्मा को, शुद्ध चैतन्य को अपना विषय बनाकर, अपना भी तिरोभाव, अपने को भी अदृश्य करके और अपने को शुद्ध चैतन्य घोषित किया। हम बोलते हैं या नहीं, हम भी ऐसा ही करते हैं, लोक में भी ऐसा ही होता है। हम किसी से पूछते हैं कि आप कौन हैं, कि हम तो जैन श्रावक हैं, तो कहते हैं ये जैन श्रावक हैं ये हमारे शरीर में किसने बोला? कि जीव ने बोला, क्योंकि मैंने तुमसे पूछा था कि तुम कौन हो, तो तुम्हें ये कहना चाहिए था कि मैं जीव हूं, तुमने ये कैसे कहा? तुमने सारा प्रतिनिधित्व कैसे कर लिया उसका, उस मनुष्य का, कि मैं जैन श्रावक हूं। बोलती है जीव एक अंग, लेकिन बोलती है संपूर्ण वस्तु को का प्रतिनिधित्व करती हुई। उसी तरह भाव शुद्ध ज्ञान या श्रद्धा यह एक अंग होने पर, एक पर्याय होने पर भी उस पर्याय में बल इतना है, इतना बल है कि वो अपने में सारे शुद्ध चैतन्य का प्रतिनिधित्व करती हुई यह बोलती है कि मैं शुद्ध ज्ञान नहीं, मैं सम्यक दर्शन नहीं। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो नए पैदा हुए हैं, मैं तो ध्रुव अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य हूं, ऐसा जिसने माना उसका सारा दुख और अकुलता उसी समय हवा में उड़ जाते हैं। और दुख, दुख तो कहे जाने की बात है, दुख रहता ही नहीं उस जीव, वो तो परमात्मा बन जाता। परमात्मा बन जाना ये भी थोड़ी हल्की बात है, वो तो परमात्मा ही था शुद्ध चैतन्य, वो तो परमात्मा था ही निश्चित। उसके परमात्मत्व में अनादि अनंत कोई कमी कभी आने वाली नहीं है, भले ही पर्याय उसके साथ कितना ही धोखा करे, कितना ही चीटिंग उसके साथ करे मोह राग द्वेष की पर्याय, पर उसमें विकृति का नाम निशान होने वाला नहीं है। और जगत के एक अणु मात्र का भी प्रवेश उसकी वज्र में, चार दीवारी में होने वाला नहीं है।
उसमें तो शुद्ध चैतन्य अपने आनंद मंगले में विश्राम करता है, ऐसा शुद्ध चैतन्य। तो वो ये जो दश धर्म है, ये दश धर्म वास्तव में दस प्रकार के जो क्रोध मान माया लोभ इत्यादि जो दस प्रकार के विकार होते हैं, असंयम या तपश्चरण का न होना या त्याग का न होना या अकिंचन्य का न होना या ब्रह्मचर्य का, ये जो विकार है कुशील आदि का होना, इन विकारों के अभाव की अपेक्षा ये दस नाम दिए जाते हैं। वास्तव में इन सब का एक नाम चारित्र है, और वो चारित्र स्वरूपाचरण रूप अर्थात शुद्ध चैतन्य में आचरण रूप होकर आनंद को उत्पन्न करता हुआ, आनंद का स्वाद लेता हुआ प्रकट होता है। इसलिए धर्म एक है, दस नहीं है। दस लक्षण कहें उसमें दिक्कत नहीं, कहा है प्रवचन सार में, कही है ये बात। और अंत में चारित्र में सबका पर्यवसान, चारित्र में सबका उपसंहार किया है प्रवचन सार। समय हो गया वैसे, यह तो विवाह करता कल कर ले। आगम का वाक्य है, अपने मन की बात नहीं है।